इस वीडियो में मैं अपनी जो एक वेबसाइट है, ऐसे तो मेरे पास पांच से छह वेबसाइट है जो अलग अलग कैटेगरी या नीस पे मैंने बनाया हुआ है। जैसे कि एक है जो हेल्थ के रिलेटेड है, एक है जो जॉब्स के रिलेटेड है, एक मूवी पे बनाया हुआ है मैंने, और एक ब्लॉगिंग के ऊपर बनाया हुआ है। ऐसे पांच या छह वेबसाइट मेरी चलते रहती है और हर एक वेबसाइट की अर्निंग मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाला हुआ है। जस्ट इस जॉब्स की जो वेबसाइट है indnaukri.com, इसकी अर्निंग मैंने आज तक आप लोगों को नहीं बताया है, क्योंकि इसकी अर्निंग थोड़ी कम थी। इस वजह से मैंने सोचा चलो आप डीमोटिवेट ना हो जाओ, इसलिए मैंने बताना थोड़ा ये नहीं समझा, ठीक है। लेकिन इसकी अर्निंग भी, यदि आप न्यू ब्लॉगर है तो इसकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी है। $377 में पर मंथ इस वेबसाइट से अर्न करता हूँ। कैसे करता हूँ, सब कुछ प्रूफ के साथ, गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन करके, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यदि आप इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करोगे या किसी की अर्निंग मैं यदि आप इंटरेस्टेड हो, मैं हमेशा जो भी वीडियो बनाता हूँ प्रैक्टिकली बनाते रहता हूँ, सब कुछ क्लियर, कोई डाउट ना हो, ऐसे वीडियो में बनाते रहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा, मैं अपनी खुद की अर्निंग बताऊँगा, अपनी वेबसाइट के बारे में बताऊँगा, मैं कितना पर डे अर्न करता हूँ गूगल एडसेंस से, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में सब कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल ला सकता है, यदि आप नए हो ब्लॉगिंग की इस मीडियम में, तो ये वीडियो देखकर आपको कुछ जुनून जागेगा कि मैं अर्न कर सकता हूँ तो आप अर्न कर सकते हो। सभी लोग जो भी ब्लॉगिंग के इस मीडियम में आते हैं तो कुछ ना कुछ ऑनलाइन अर्निंग की वजह से ही आते हैं, ठीक है। तो मैं कैसे कमाता हूँ, आप भी मेरी तरह कमा सकते हो, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए आपको। थोड़ा 10 मिनट का ही वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं है। मैं फटाफट आपको बता दूंगा ये मेरी अर्निंग पर डे की अर्निंग, कौन सी वेबसाइट है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, और लास्ट में यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। और यदि पहली बार मेरे YouTube चैनल में आए, पहली बार ये वीडियो को क्लिक करके आपने ओपन किया है मेरा चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डालते रहता हूँ जो आपको मोटिवेट कर सके, ठीक है। तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा कि मेरी ये वेबसाइट है indnaukri.com, ये आप देख ही लीजिएगा एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। मेरी वेबसाइट की स्पीड भी आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो गूगल एडसेंस की एड भी आ रही है, और ये फुल्ली naukri.com जैसे ही मैंने वेबसाइट बनाया, इसमें मैं डेली बेसिस पे नई नई जो गवर्नमेंट जॉब्स आते रहती है उसका पोस्ट मैं डालते रहता हूँ, देख सकते हो आप। तो ये वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जो आपको डेली बेसिस पे इस पे मेहनत करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे जो जो ओपनिंग निकलती है गवर्नमेंट जॉब्स की वो आपको डालना पड़ेगा, तभी इसमें मतलब आपको अच्छा खासा अर्न कर सकोगे। क्योंकि इसमें जो पुरानी पोस्ट है, जैसे कि अभी इसी पोस्ट को आप देख लो, तो इसमें 2021 लिखा हुआ, तो ये 2026 या 25 में कोई इस पोस्ट को ओपन नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि पोस्ट ही इस टाइप की है कि 2021 में ही चलेगी, 22 में ये पोस्ट मेरी यदि रैंक कर भी गई है तो ये डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब वेबसाइट होती है जो गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, तो ये जो पोस्ट होती है या फिर ये जो वेबसाइट होती है, इसमें डेली बेसिस पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करके आपको पोस्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पोस्ट डालना एकदम सिंपल है, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है कि कैसे यूनिक बनाकर आपको डालना है, ठीक है। तो ये यदि आपको पता ना हो कि यूनिक पोस्ट कैसे लिखना है, तो मैंने ऑलरेडी इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है कि यूनिक पोस्ट कैसे लिखना है। जस्ट मैंने अभी पब्लिश किया था एक वीडियो कि यूनिक पोस्ट कैसे लिखे, किसी की और वेबसाइट की पोस्ट को कॉपी करके कैसे उसको यूनिक बनाना चाहिए और कैसे मतलब उसको गूगल के फर्स्ट पेज में लाना चाहिए। तो मैं ये सब कुछ मैं ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो, आप देख सकते हो, ठीक है।
अभी मैं ये वीडियो बनाया है आपको अर्निंग दिखाने के लिए, तो मैं जस्ट इसमें आपको बता देता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है, जरूर एक बार विजिट कीजिएगा indnaukri.com। इसका डिस्क्रिप्शन भी मतलब इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार जरूर चेक कीजिए मैं कैसी पोस्ट लिखता हूँ, कैसे रैंक किया हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने गूगल एडसेंस की तरफ। ठीक है, तो ये मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने 23 जनवरी से 22 अप्रैल तक का मतलब इसमें सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप अर्निंग देख सकते हो, मैंने टोटल जो मैंने अपने थंबनेल में डाला है वीडियो की, वही आपको मैं बता रहा हूँ कि $377 मैंने अर्न किया है। कब से कब तक? 23 जनवरी से 22 अप्रैल 2020। ठीक है, मतलब लगभग ये जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का है, मतलब पर मंथ में $100 तक का इसमें से कमाता हूँ। मतलब यह एक जॉब्स के रिलेटेड वेबसाइट है और इसमें ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट रैंक की हुई है, जैसे naukri.com है, timesjob.com है, बहुत सारे ऐसे जॉब्स की वेबसाइट जो है रैंक की हुई है। ऑलरेडी पहले से जो रैंक की हुई है हाई अथॉरिटी जो वेबसाइट है उनको पीछे करना थोड़ा कठिन बात है, मतलब उतना SEO आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि ये लोग ऑलरेडी पेड एड यूज करके रैंक कर पाते हैं। तो आप लोग यदि आप गूगल में रैंक करना चाहते हैं जॉब्स की, यदि आपकी वेबसाइट है, तो मेरे ख्याल से तो आप बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप काफी मेहनत करना पड़ेगा यदि आपकी वेबसाइट जॉब्स के रिलेटेड है तो। ठीक है, क्योंकि इस वेबसाइट में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जैसे naukri.com, timesjob.com, monster.com, ये सब वेबसाइट हाई लेवल पे चलते रहती है, जो भी यूजर क्लिक करते हैं मतलब जो भी सर्च करते हैं जॉब्स, तो ये 3 वेबसाइट आते रहती है, तो उसी में यूजर कंफ्यूज हो जाता है और अपनी वेबसाइट नीचे की तरफ रह जाती है। ठीक है, तो इस वजह से अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक उतना नहीं आ पाता जितना हमको चाहिए। ठीक है, तब भी मैंने 3 महीने में लगभग 3 लाख तक का ट्रैफिक इस वेबसाइट में ले लिया है, और काफी अच्छी मतलब मेहनत तो मैं करता ही हूँ और SEO भी काफी अच्छा रहता है मेरी वेबसाइट का, तो मैंने ये 3 लाख तक का ट्रैफिक लिया, और 3 लाख में मुझे $377 भी काफी होते हैं, मतलब पर मंथ आई थिंक $100 के हिसाब से आप गिनो तो 8,000-9,000 तक का मुझे अर्न इस वेबसाइट से होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैंने इंफॉर्मेशन आपको बताया कि ये मेरा रियल अर्निंग है, आप देख सकते हो, मैं रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपके सामने F5 दबा के। ठीक है, तो ये वेबसाइट आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट। ठीक है, तो ये रिफ्रेश करके मैं बता देता हूँ आपको, ये टोटल अर्निंग मेरी इतनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्राफ भी आपको शो करवा देता हूँ जो मैंने हाइड करके रखा था, ये तो ये ग्राफ वाइज भी आप देख सकते हो, पर डे की अर्निंग भी आप देख सकते हो, 65 क्लिक पे 54, मतलब हर एक दिन की मतलब अर्निंग आपके सामने मैंने रख दिया है, पर डे $4, $6, $7, $6, मतलब 5-6 डॉलर की, इसमें एक में $11 भी देख सकते हो। तो जैसे ट्रैफिक आती है वैसे आपको अर्निंग होती है। ठीक है, $11, $10, $1 भी है, कभी $10 भी है, मतलब इस टाइप की अर्निंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने चिट्ठा आपके सामने मैंने अपनी अर्निंग का रख दिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं झूठ रपाट बना दिया है, मतलब कभी कभी ऐसे नहीं कि $1 भी नहीं हो पाया है मेरा। ठीक है, देख सकते हो आप, $1 के भी अंदर कभी कभी भी होता है, कभी $1 के ऊपर जाता है, कभी $5 भी, कभी $10 भी इसमें मुझे अर्निंग होते रहती है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप की यदि आप अर्निंग करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ऐसा नीच नीच पकड़िए, ऐसा वेबसाइट का टॉपिक चूज कीजिए जो एवरग्रीन हो, ताकि आपको एक बार की मेहनत आपको हमेशा अर्निंग दे। अभी जॉब्स की जो वेबसाइट है इसमें मुझे हमेशा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, और अर्निंग भी उतनी हो नहीं पाती क्योंकि
मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जॉब्स के रिलेटेड जो बहुत सारी वेबसाइट है जो पेड एड को परचेस करके अपनी वेबसाइट को ऊपर की तरफ लाते हैं। जैसे कोई भी आप सर्च करो, जैसे गूगल में जाकर आप यदि सर्च कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जो IND governmentjobs.in, ये एक अच्छी खासी वेबसाइट है, काफ़ी अच्छी रैंक करती है। उसके बाद फ्री जॉब्स अलर्ट डॉट कॉम, जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स डॉट कॉम, जागरस रॉस डॉट कॉम, ये सब जो हाई लेवल की वेबसाइट है, फ्रेशर वर्ल्ड डॉट कॉम, कैरियर पावर डॉट कॉम, ठीक है। तो इस टाइप की जो वेबसाइट है उनको आप पीछे नहीं कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर कोई वेबसाइट बनाते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप सक्सेस हो पाओगे। जैसे सरकारी जॉब्स डॉट कॉम में मेरी वेबसाइट मतलब आती है, ठीक है, ये देखिए आप मेरी वेबसाइट सरकारी जॉब सर्च करोगे तो मेरी वेबसाइट आती है, ठीक है। तो इस टाइप की यदि आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी और अर्निंग भी हो सकती है कि आपको उतनी ना मिले, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स की वेबसाइट में जो भी मतलब एड आती है कम सी फीस वाली मिलती है इन कंपेयर टू हेल्थ की वेबसाइट, ठीक है। जैसे कि मेरी एक हेल्थ की वेबसाइट है healthalltips.com, इसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है कि हेल्थ की वेबसाइट से मैं कितना अर्न करता हूँ। यह हेल्थ की वेबसाइट है मेरी और इसमें जब भी जो भी एड आएगी गूगल एडसेंस की, इसमें भी गूगल एडसेंस का मेरा अप्रूवल है, तो इसमें जब भी ऐड आएगी वो हाई सीपीसी वाली ऐड आती है, मेडिकल वाली जो ऐड होती है काफ़ी हाई सीपीसी वाली होती है, ठीक है। तो इसमें एक भी क्लिक का मुझे लगभग 10 से 15 डॉलर तक का मिल जाता है। तो दिन भर में यदि 2-3 क्लिक भी होती है मेरी वेबसाइट में ऐड में तो 20-25 डॉलर पर डे का मुझे इसमें से मिल जाता है। भले इसमें उतनी ट्रैफिक नहीं आ पाती, मतलब मैंने आउट ऑफ इंडिया इसको लॉन्च किया हुआ, मतलब आउट ऑफ इंडिया मेरी वेबसाइट ये रैंक कर रही है हेल्थ और टिप्स, ये हेल्थ और टिप्स डॉट कॉम, जो इंडिया कंपेयर टू आउट ऑफ इंडिया से यदि एक भी क्लिक आता है तो 15 से 20 डॉलर तक का एक क्लिक मुझे मिलता है। तो लगभग इस वेबसाइट से भी मुझे काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। इसमें तो लगभग पर डे का मैं 100 डॉलर तक का ले सकता हूँ, लेता ही हूँ। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था आपको एडसेंस का अप्रूवल के साथ साथ अर्निंग भी बताया था कि हेल्थ की वेबसाइट से मैं कितना अर्न करता हूँ, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने जो भी थंबनेल इस वीडियो का रखा है 377.17 डॉलर में पर मंथ कमाता हूँ, तो ये सही है। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा टोटल अर्निंग आपके सामने मैंने बता दिया, 377.17, इतने पेज व्यू, इतनी क्लिक, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।